दिल जो सबसे पहले धड़कना शुरू होता है जब बच्चा पेट में होता है, केवल 6 हफ्ते की उम्र से। जो घर का ऐसा कोना है जो हर घर में होता है और वो दिल की बीमारी का कारण है, वो कोना है हमारी रसोई। मैं भी बताऊंगी रसोई में ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी दिल की बीमारी कॉज करती हैं, और लेडीज जो घर की हैं वो कैसे दिल की बीमारी को कंट्रोल कर सकती हैं अपने बच्चों की, अपने पेरेंट्स की, अपने हस्बैंड की, क्योंकि जो खान पान वो बनाती हैं। और मैं एक बताऊंगी एक ऐसा ड्रिंक जो आपकी चर्बी को ऐसे पिघला देगा, जो पेट की चर्बी है जो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है आपके हार्ट अटैक के लिए। आपको चाहे दिल की कोई बीमारी ना हो, अगर आपका पेट बड़ा हुआ है तो आपको हार्ट अटैक का रिस्क बहुत बहुत ज़्यादा है। एक तो मैं आपको ड्रिंक बताऊंगी जिससे आपकी चर्बी पिघल जाएगी, दूसरा एक ऐसा टेस्ट बताऊंगी जो दिल के सिम्टम आने से पहले, आपको अगर इन 14 चीज़ों में से कोई भी 2 चीज़ें हैं तो आपको वो टेस्ट करवा के ये पता चल जाएगा कि आपको रिस्क कितना है हार्ट अटैक का, और जो आपका खान पान है उसको आप अकॉर्डिंगली बदल सकते हैं। कार्डियक सीटी एंजियोग्राफी में कोई इन्वेजिव नहीं है, मतलब कहीं पे भी कोई शरीर के अंदर जाने की चीज़ नहीं है। वो कैट स्कैन के साथ द्वारा किया जाता है। उसमें जो कैल्शियम होता है जो यहाँ पे जमा हो जाता है आर्टरी के अंदर, इससे पहले कि आर्टरी पूरी बंद हो पहले कैल्शियम जमा होता है। ये जो कैल्शियम जमा है धीरे धीरे बढ़ता रहता है और फिर ये फट जाता है, उसके ऊपर खून जमता है और ये नस ब्लॉक हो जाती है, और उसी से जो ब्लड फ्लो है मसल्स को हार्ट के वो बंद हो जाता है। हार्ट के मसल्स डेड हो जाएं तो फिर हार्ट अटैक आ जाता है। इसी हार्ट अटैक से बचने के लिए आपके लिए बेस्ट ये है कि आप कार्डियक सीटी कराएं। कार्डियक सीटी कराने से अगर आपको कैल्शियम का लेवल पता चल जाए तो जो सबसे बड़ा कारण है हार्ट अटैक का वो है चर्बी, जो पेट की चर्बी। ये वो ड्रिंक है जो आप रोज सुबह शाम एक चम्मच पियेंगे तो आपकी जो चर्बी है वो इस तरीके से पिघल जाएगी जैसे पानी पिघल जाता है, और आप हैरान रह जाएंगे। और चर्बी आपकी कम करनी बहुत ज़रूरी है, और ये लेडीज़ की ड्यूटी है। किचन वो संभालती हैं, किचन में जो बनाती हैं, जो वो परोसती हैं, वो ही आगे चल के हार्ट डिजीज़ का कारण बनता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ड्रिंक किस तरीके से बनाया जाता है। ये एक चम्मच ड्रिंक लेना है हमको। ये एक पाउडर है जो 4 चीज़ों के मिक्सचर से बना है। इस पाउडर को इसमें मिक्स करा जाता है और इस मिक्सचर को फिर सुबह और शाम खाली पेट पिया जाता है, और पीने के बाद 2 घंटे इसको आपने कुछ नहीं खाना पीना। इसके बाद ये बनता किस चीज़ से है, इसमें पहले अलसी के बीज लिए जाते हैं, 1 चम्मच अलसी का बीज। इसको आप तवे पे भून लेंगे, सिर्फ भूनेंगे तेल नहीं निकालेंगे, इसको भून के फिर 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन, इन चारों को मिक्स कर पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे और एक शीशी में रख लेंगे और रोज सुबह शाम 1 चम्मच पियेंगे। 1 महीने में आप देखिएगा कि आपकी पेट की चर्बी किस तरीके से कम हो गई है। इसके अलावा जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अर्जुन की छाल और दालचीनी की सुबह चाय पिए, ना कि वो दूध वाली चाय। और जो लेडीज़ को जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये कि जो वो जिसको हम कहते हैं ऑयल, घी, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल तो वो उठाकर अपनी किचन से बाहर फेंक दे। खासकर अर्बन लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज शहर में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है रिफाइंड ऑयल का। बहुत सुंदर सुंदर इसकी एड्स आती हैं, दिल पे हल्का है लेकिन ये दिल के अंदर जम जाता है। ये ऐसे ऐसे केमिकल से बना होता है जो आपके हार्ट को, आपकी पूरी बॉडी को डैमेज करता है। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं देसी घी, या आप यूज़ कर सकते हैं सरसों का तेल। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप मोटे हैं तो कृपया 0 ऑयल कुकिंग करिए, और अगर आपको ऑयल यूज़ करना भी है किसी लेडी को तो वो सिर्फ 2 छोटे चम्मच तेल, पिघला हुआ 2 छोटे चम्मच तेल 4 जनों की सब्जी में बनाएगी। जो भी तेल है वो बहुत कम होना चाहिए। अगर आप भून नहीं सकती हैं तो इसके लिए आप कोशिश करिए कि इसमें आप टमाटर या पानी डाल के आप इसको भून लीजिए। मैदा और गेहूं 2 चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए अपने घर में इस्तेमाल करनी। गेहूं की जगह पे आप रागी ले सकते हैं, मिलेट्स ले सकते हैं, जब बाजरा है, जौ है, इनको ले सकते हैं। चीनी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ स्वाद के लिए जाती है, लेकिन ये स्वाद के साथ साथ और बहुत सारी बीमारियों का कारण है। डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कारण, उसके बाद मोटापे का कारण। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप चीनी तो टोटली बंद कर दीजिए, अपनी किचन में ना रखें। अगर आप चीनी खाते हैं और अगर आप 200 ml से ज़्यादा दूध लेते हैं
वो आप तभी ले सकते हैं अगर आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, 8 घंटे आप कश्ती चलाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। पूरे दिन में किसी भी आदमी को या किसी भी पुरुष या स्त्री को 200 ml से कम ही दूध लेना होता है। इसके अलावा जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ ये बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, पर इससे हर साल इस इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से 50 लाख लोग मर रहे हैं हिंदुस्तान में, अपनी कंट्री में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, जिससे कि किसी एक पुरुष की जान बचती है। बिकॉज पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं के मुकाबले में ऑलमोस्ट डबल या 3 टाइम उनको रिस्क होता है हार्ट अटैक का, बिकॉज उनके अंदर वो हार्मोन नहीं होता जो महिलाओं को बचाता है लेकिन पुरुषों को नहीं। लेकिन जिन महिलाओं के महीने बंद हो जाते हैं उनका भी हार्ट का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। आदमियों को जरूर चाहिए कि अगर वो रेगुलर अपनी शुगर और बीपी की दवाई अपनी रेगुलर लें, और साथ साथ 1/2 घंटा मेडिटेशन, 1/2 घंटा वो सैर अवश्य करें, और प्लस अपनी स्ट्रेसफुल जिंदगी को लाइट करें। स्ट्रेस कम करने के लिए और हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ाने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है हमारी नींद। 7 घंटे की हमें नींद चाहिए, जो हमें पता होना चाहिए हमें किस डायरेक्शन में लेटना है ताकि हमारे हार्ट पे रिस्क कम से कम हो। उल्टे हाथ ही करवट पे लेटेंगे अगर, तो आपके दिल को काम कम करना पड़ेगा, बिकॉज इधर से ही नीचे एओटा जाती है, वेसल को आराम से चला जाएगा, प्लस आपके लिवर पे जोर नहीं आएगा, लिवर आपका ठंडा रहेगा। जब तक उनकी ये तोंद रहेगी या ये तोंद बनती चली जाएगी तो उनके हार्ट डिजीज का रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। तो हर गृहिणी का ये फर्ज बनता है कि वो अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखे, बिकॉज वही सेहत बना रही है, जो किचन में वो बनाएगी या वो परोसेगी वही आगे चलकर उनकी सेहत बनाएगा। तो किसी का ब्रदर, किसी का हस्बैंड, किसी का बच्चा, किसी के बुजुर्ग या किसी के फादर इन लॉ, जिसकी भी जान बचे इस इन्फॉर्मेशन से, वो आप ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लेडीज इस चीज के लिए जागरूक होंगी तो हम बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम टाइमली अपने टेस्ट करवाएं। जिस तरीके से हम गाड़ी का इंजन, गाड़ी की सर्विस हम रेगुलर हर महीने या हर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद कराते हैं, इसी तरीके से हमें अपने बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है, शुगर है, इन सबको टाइमली टेस्ट करवाना चाहिए और इनको मेंटेन करना चाहिए। और कृपया अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए, खानपान को चेंज करिए, जितना जंक फूड है, जितना कोल्ड ड्रिंक है, कृपया उसको उठाकर बाहर फेंक दीजिए और अपने बच्चों की जान बचाइए।